है, नो फोटोग्राफी। ये आ गया है ये लोग, दोस्तों आपके पीछे मेरे पीछे इधर पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ आपने देखे हैं कभी हा? बहुत पेड़ है इस तरह के, ये पेड़ है इसके किसके सुपारी के, और ये सुपारी जो है सुपारी के पेड़ है, बहुत सीधे हैं, एकदम सीधे, इतने सीधे हैं कि आप देख सकते हैं, और बहुत ऊंचे भी हैं, और इनमें सुपारी लगती है ऊपर में, और ये सुपारी यहाँ पे पूछा गया तो बताया कि 500 रुपये केजी के हिसाब से मिलती है, और ये सारे के सारे हैं जो है नारियल के पौधे। राधानगर बीच, स्वराजदीप बीच, ये एंट्री पॉइंट हो गया था, वहाँ से वहाँ पे बाइक वगैरह पार्किंग वगैरह उधर ही है, उसके आगे नहीं लेके जाने का, और उसके बाद इधर एंट्री कराने का एक ये जो बने हुए हैं यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे अपना नाम और फ़ोन नंबर देना होता है। वेलकम टू राधानगर बीच, ए ब्लू फ्लैग सेटिस्फाइड। तो ये है राधानगर बीच, अब हम पहुंच गए हैं राधानगर बीच, अभी आपको राधानगर बीच के कुछ मोमेंट्स घर बैठे ही दिखा देंगे आपको, इतनी दूर आपको नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको घर बैठे ही स्वराजदीप, जिसका नाम अभी अभी बदल चेंज किया है, पहले हेवलॉक था, उसका द्वीप का आपको जो यह है सी साइड एरिया है, यहाँ पे ज़्यादातर नहाने का ही मज़ा है, और बाकी कुछ उतना वो नहीं है, हाई फाई वी आई फाई, बट ये है कि आप इधर स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। देखिए आप नहीं है तो लोगों को लगेगा कि मैं किसी का सही देख के कर दिया है, तो मेरा भी फोटो होना मंगते ना। ओके, देख सकते हैं उधर से लेके उधर तक, उधर
इधर से लेके इधर तक मिट्टी यहाँ का, मुझे तो ये लगा एकदम, देखो सफेद झक ऐसा है, अच्छा लगा होगा देख के। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मैं कितना कुछ मज़े मार सकता हूँ। अभी मैं एकटा एक बजा है और मेरे को करीब 4 बजे मेरा वापस से वो फेरी है, और ये जट्टी से करीब 10-12 किलोमीटर है, और मैं स्कूटी लेके आया था, तो देखता हूँ 1 घंटा आधा घंटा जितना भी कैसा टाइम रहता है इस पर डिपेंड करेगा। बट धूप बहुत तेज़ हो गई है, थोड़ा बादल हो जाते हैं ना तो शायद ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों अभी देख लीजिए मैं तो नहा लिया है और लोग इधर ले रहे हैं अंदर, बहुत धूप है, ख़तरनाक वाली धूप है, तो नहा लिया है। उसके बाद नहाने के बाद उधर फ्रेश वाटर से नहाने के लिए भी सुविधा है और अच्छा लगा। पानी ज़्यादा डीप मतलब स्लोप करके डीप है, तो आप लंबा दूर तक आराम से जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खड्डे हैं या पत्थर है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा है, मिट्टी है, तो छोटे से लेके बड़े सब लोगों के लिए अच्छा जगह है सी का, समुद्र के पानी में नहाने के लिए। और आपको देखेंगे तो पानी एकदम वाइट ऐसा लगेगा, वाइट है एकदम मिट्टी के जैसा, तो शानदार नज़ारा था। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, तो करीब मैं आधा घंटा 20 मिनट इसमें नहाया है, मैं वापस बैक टू पेवेलियन होने वाला हूँ। ओके तो अच्छा लगेगा मेरे ख्याल में आपको भी देख के, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर। आप देखोगे पेड़ इतने लंबे लंबे बड़े और घने पेड़ है, शानदार पहाड़ को देखो, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है और ये सिर्फ टूरिज़्म पे ही ज़्यादा चलता है, और बाकी कुछ यहाँ पर चीज़ें होती है जैसे फल फ्रूट होते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखो जितना भी सब कुछ बना हुआ है ना, ये शुद्ध जल शुद्धिकरण केंद्र बना हुआ है या कुछ भी है, जो भी चीज़ें इधर बनी हुई है उन सब पूरा कंप्लीट ऊपर नीचे लकड़ी है, और लकड़ी का सब बनाया हुआ है, नीचे फ्लोर भी लकड़ी का, ऊपर का भी देखोगे लकड़ी का, अंदर बाहर पूरा एकदम लकड़ी में लकड़ी, अच्छा लग रहा है, शानदार। यहाँ नहाने के लिए 10 रुपये लगते हैं नहाने के। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, स्वराज द्वीप में ये पौधा देख रहे हैं आप, ये देखना इसको, देखा ऐसे टूट जाता है, हाथ लगाओ है? इधर मैं हाथ लगाता हूँ, इस पे हाथ लगाता हूँ, पूरे पे हाथ फेर देता हूँ, कैसे देखो कमर जैसा टूट गई हो इसकी, अब इसके ऊपर हाथ लगाता हूँ, आप देखना पूरे के ऊपर, समझ रहे, बढ़िया है, सही है, तो ये है, इसको मैं हाथ लगाता हूँ, इसको देखो, ये देखो, ये देखना, सिकुड़ गया पूरे पे हाथ रखा, कैसा देखा टूट गया, ये फिर ठीक हो जाएगा, ये मालूम है, ये थोड़ी देर बाद में फिर जैसे जैसे उसको ऐसा किया ऐसा हो गया, अब फिर ठीक हो जाएगा, ये ज़बरदस्त ये है। हम लोग घूम के आ गए हैं वापस, देखते हैं कोई अच्छा रेस्टोरेंट में खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर पोर्ट ब्लेयर चले जाएंगे।
और मेरा गाड़ी का दोस्तों ये राधा कृष्णा रेस्टोरेंट है। आप इस रेस्टोरेंट में देखेंगे तो आपको खास लगेगा। देखो क्या खास लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सब कुछ लकड़ी का है। मैं तो पनीर और चपाती खा रहा था, ये जस्ट गेट के सामने है ना, बिग ब्राइट रेस्टोरेंट। ये अच्छा खाना देता है, एकदम सस्ता है, और ये एकदम जट्टी के पास ही है। और ले, लेकिन चेकिंग कराने का जरूर आप, चेक इन कराने का, तभी आपको अंदर आने दिया जाएगा। यहाँ पे कैसा है ना कि अगर आपको एलिफेंट के लिए जाना होता है तो ये थोड़ा इधर से दूसरे बीच पे जाना पड़ता है, उसके लिए आपको बोट से जाना पड़ेगा। बाकी स्कूबा डाइविंग जो मैं किया है, मैं आपको बताऊंगा, उसका वीडियो भी मैं डालूंगा मेरा यूट्यूब चैनल पे, आरसी मर्चेंट पे, आप देख सकते हैं। लेकिन आप कहीं से भी कोई ऑनलाइन ये सब ये बुकिंग कराने से क्या होता है ना, फिर एजेंट का कमीशन होता है और उसमें आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा। आप लोग इधर आने का सीधा, इधर आपको सब कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगा और वो भी एकदम लो कॉस्ट पे मिलेगा। अगर आपको हेवलॉक रुकना है, ये स्वराज द्वीप अगर बोट में रुकना है, तो आपको भी उधर से पैकेज लेके आने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही बोलूँगा किसी भी बंदे को, जो पैकेज 80,000 1,00,000 ऐसा पैकेज लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा फ्लाइट टिकट कराइए। अगर आपकी टिकट सुबह की है तो फिर आपको होटल भी बुक कराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ अपने से जाकर होटल बुक कर सकता है, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया और पैकेज में आए तो आपको बहुत कम चीज़ें दिखाई जाएगी, शॉर्ट टाइम के लिए दिखाई जाएगी, और फिर आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाएगा। ये देखो कितने लोग आते हैं, कितनी भीड़ है। अभी मैं वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। ये अपना मैक्रूज है, उसमें मैं जाऊँगा। अभी मैक्रूज आया है तो वहाँ से कुछ क्रू आए हैं, मतलब पैसेंजर आए हैं, वो लोग को पहले निकालेगा, फिर हम लोग को एंट्री कराएगा। इधर आपको बाइक मिलेगा राइड करने के लिए, आप इधर से बाइक लेने का, और अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट क्या होता है ना, चीज़ें अच्छी होती है तो उसके नाम से लोग लूट भी लेते हैं। इसलिए जो आपका 1,000 रुपये का खर्चा है, वहाँ पे आपको 10,000 रुपये आपसे ले लिए जाएंगे, तो वो सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं इधर से दिखाऊं कि वो लोग किधर जो है डाइविंग करवाते हैं, जो डाइविंग हम लोग करते हैं ना, और यहाँ पे मज़ा उसी का है, सिर्फ डाइविंग का ही मज़ा है। मुझे तो डाइविंग ही सुपर माइंड ब्लोइंग लगा। वो एरिया आप देख रहे हैं इधर से, ये एरिया है, इस एरिए में ही वो लोग डाइविंग करवाते हैं। ज़्यादा दूर लेके नहीं जाते वो लोग, पता नहीं, और 15-20 एक घंटे का नाम बोल के 15-20 मिनट ही डाइविंग करवाते हैं। लेकिन डाइविंग में जो मज़ा है ना, वो किसी में भी नहीं है। बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं, वो अलग ही दुनिया की फील होती है। मैं वो भी वीडियो आपको डालेगा, आप देख सकते हैं मेरा चैनल PRC मर्चेंट नेवी में। ओके।